कि अगर इनका इंट्रोगेशन नहीं होगा, इनसे पूछताछ नहीं होगी, तो इनके पीछे कौन सी ताकतें लगी हुई है जो राजपूत समाज के दिग्गज नेताओं को मारने का, उनको डराने का काम कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं चलेगा? कर्ण सेना को खत्म करने की कोई साजिश कर रहा है, उनका मालूम नहीं चलेगा? मैंने बोला इनकाउंटर तो आज नहीं, बाद दिन बात कर देना, पर इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि हमें मिटाने वाले कौन मंसूबे पाल रहा है, कौन बेटा बेटा हमारे समाज के अग्रणी नेता है, उनको इस तरीके से मिटाने का काम करने की कोशिश कर रहा है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया, ज्यादातर हमारे समाज के युवाओं ने बोला इनकाउंटर हो। रात को 12 बजे जैसे ही पकड़ा गया, हमने सोशल मीडिया पे जो भी भाई जा रहे हैं, भाई कहीं नहीं रुको, भी जो भी सोशल मीडिया पे डाला, तो बुद्धिजीवी वर्गों ने बोला कि अगर इनका इंट्रोगेशन नहीं होगा, इनसे पूछताछ नहीं होगी, तो इनके पीछे कौन सी ताकतें लगी हुई है जो राजपूत समाज के दिग्गज नेताओं को मारने का, उनको डराने का काम कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं चलेगा? कर्ण सेना को खत्म करने की कोई साजिश कर रहा है, उनका मालूम नहीं चलेगा? मैंने बोला इनकाउंटर तो आज नहीं, बाद दिन बात कर देना, पर इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनसे पूछताछ हो, कड़ी पूछताछ हो, और ऐसी पूछताछ हो कि उनके जो भी आका बैठे हुए हैं उनको मालूम चलना चाहिए। भगवती कसम खा के बोल रहा हूं, ये केसरिया झंडा इसके नीचे खड़े हैं। मेरा आज मन था, अगर यहां से अपराधी नहीं पकड़े जाते, अगर 72 घंटे में अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते, तो आज यही झंडे पे बैठते कि नहीं बैठते? लाल किले तक मार्च करते हम लोग, करते कि नहीं करते? तैयार थे कि नहीं आप? पर कहीं ना कहीं अपराधियों को पकड़ लिया गया, अपराधी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे है, और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द उनकी पूछताछ हो, मालूम चले समाज को, पूरे भारत देश के राजपूत समाज को, कि हमें मिटाने वाले कौन मंसूबे पाल रहा है, कौन बेटा बेटा हमारे समाज के अग्रणी नेता है, उनको इस तरीके से मिटाने का काम करने की कोशिश कर रहा है। आप सब लोगों की आज उपस्थिति और आज यहाँ की जो आपने हुकार भरी है, मैं बोलना चाहता हूं केंद्र सरकार के नुमाइंदों से, हमें मिटाने का जो भी षड्यंत्र कर रहा है, और राजपूत समाज अगर लगता है कि आपके साथ है, तो जल्द से जल्द हमें उन हत्यारों का पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं? सुखदेव सिंह युवाओं को जगाने का काम करके गया है, उन्होंने अपने जीवन युवाओं को जगाने में लगाए। आज इस रामलीला मैदान से हम लोग जो 10 मांगों को लेकर आए थे, कई सारे लोगों ने बोला आप अपनी मांगे रख लेना, हमें तो केवल इनकाउंटर का संदेश पहुंचा देना। तो मैं उन भाई लोगों को बोलना चाह रहा हूं, आपकी जो ताकत थी, आपकी जो हुकार थी, 72 घंटे में उनको सलाखों के पीछे भिजवा दिया, ये आपकी ताकत थी, ये हमारी एकता की ताकत थी। अपनी ताकत को कतई कमजोर महसूस मत करो, कतई कमतर आंकने की कोशिश मत करो। आप महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान की संतान है, आप संतान है आनंदपाल तोमर की, आप संतान है मीर भोज प्रतिहार की। सबसे बड़ा मुद्दा इस दिल्ली एनसीआर के पास, यूपी हरियाणा में क्या गूंज रहा भाई? अभी इतिहास इतिहास गूंज रहा है क्या? वो हमने बनाया है, हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, और आज ये भी इतिहास है, ये भी कोई नहीं बना पाएगा। है कि नहीं इतिहास आज का? हमारे बाप दादा हमारे ही बाप दादा है भाई, हम किसी और के उधार के बाप दादा में जरूरत नहीं है। हमारे तो हर 10 कदम पे ऐसे ऐतिहासिक पुरुष है, महापुरुष है, कि हमें किसी के और के बाप दादा की क्यों हम ले? हमें किसी जाति बिरादरी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग बोलते हैं आप जातियों के खिलाफ बोलते हो, मां भगवती कसम खा रहा हूं, आज से 3-4 साल पहले मैंने सुना भी नहीं था कि कोई और जाति का व्यक्ति हमारे पृथ्वीराज चौहान को अपना बता रहे।
बिन भोज प्रत्यार को अपना वचन है। और अगर उन भाइयों को किसी ने बहलाया फुसलाया है तो मैं इस मंच से बोलता हूँ, हम आपके भाई हैं, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे बाप दादा हमारे हैं और तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे रहेंगे, हमें आपके उद्धार के बाप दादाओं की कतई जरूरत नहीं है, है क्या? अरे किसी के और के बाप दादाओं की जरूरत है क्या अपने को? मीर बोझ कौन थे? मीर बोझ कौन थे? मीर बोझ कौन थे? पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान कौन थे? अनंगपाल तोमर कौन थे? अनंगपाल तोमर कौन थे? ये आवाज पूरे देश में जानी चाहिए। मैं इस केंद्र सरकार को बोलना चाह रहा हूं, हमारे सबसे बड़ी मांग पहले सुखदेव सिंह के परिवार को न्याय मिले, दूसरी बड़ी मांग इतिहास संरक्षण बोर्ड का निर्माण हो जिससे कोई भी अपने हमारे बुजुर्गों का अपना नहीं बता सके, होना नहीं चाहिए। तीसरा EWS का आरक्षण मिला हमें, अभी राजस्थान में 6,500 डेढ़ सालों में सरकारी नौकरियां मिली है, हमने कांग्रेस की छाती पे चढ़ के EWS का सरलीकरण कराया है, अगर हर राज्य में होगा तो लाखों की संख्या में राजपूत भी 10% आरक्षण के हिसाब से लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी में होगा, तो इसमें सरलीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे मैं हमारी मांग नहीं कर रहा हूँ, ये केवल क्षत्रिय की मांग नहीं है, EWS आरक्षण ब्राह्मण पणिया और उसके साथ 16 जातियां हैं, हम उसकी मांग कर रहे हैं, क्या गलत मांग है क्या? गलत है क्या? राजपूत सबके लिए सोचने वाला समाज है। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हर एक जाति बिरादरी का कल्याण बोर्ड बना हुआ है तो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन में कहां दिक्कत है? अभी राजस्थान में हमने बनाया बनवाया, लाखों की संख्या में उदयपुर में इकट्ठे हुए थे आपकी तरह, आज ये लाखों जो राजपूत समाज का हुजूम है लाखों की संख्या में सामला मैदान में, ऐसा ही मेवाड़ की धरती में हुआ था और वह क्षत्रिय कल्याण बोर्ड बना, तो यहाँ भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नेशनल पर केंद्रीय स्तर पर बनना चाहिए? हमारी ऐसी 9 मांगे सरकार को हमने दी और इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, ये सब की सब मांगे मान ले, नहीं तो जनवरी में एक कहते हैं कि राजपूत समाज का एक सम्मेलन और होने जा रहा है, होने जा रहा है क्या? अरे होने जा रहा है क्या? तो हम लोग वहां जवाब दे, हम लोग वहां जवाब दे क्या? ये मांगे MP चुनाव से पहले मान ली जाए, हम लोग यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी करने नहीं आए, ये श्रद्धांजलि का मंच है, पर राजपूत समाज की जायज मांगे अगर लाखों की संख्या में नहीं बोली जाएगी तो बोली कहाँ जाएगी? बताइए बोली जाएगी कि नहीं बोली जाएगी? और अगर आप तैयार हैं आने वाले दिनों में और एक संघर्ष के लिए, क्योंकि आज तो श्रद्धांजलि सभा थी, हम लोगों ने ज्यादा हर एक वक्ता को बोला कि सीमित दायरे में बोलिए, अगर आप तैयार हो तो एक बार खड़े होके एक बार जयकारे के साथ समर्थन करिए, तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? क्षत्रिय एकता, राजपूत एकता, राजपूत एकता, कालवी साहब, कालवी साहब, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, हमारी एकता, हमारी एकता, दादा अनपाल तोमर, दादा अनपाल तोमर, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, मेहरबोज प्रद्यान, मेहरबोज प्रद्यान, मैं एक नारा लगाऊंगा, खड़े रहना, मैं एक नारा लगाऊंगा, मेहरबोज प्रद्यान आपको बोलना क्षत्रिय, आपको बोलना राजपूत, मेहरबोज प्रद्यान, मेहरबोज प्रद्यान, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राजपूत।